सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अहम कड़ी माने जाने वाले खतरनाक गैंगस्टर दीपक किन्नू की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके चलते गैंगस्टर को बठिंडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर किन्नू के घुटनों और दांतों में दर्द है, जिसके चलते उसे कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल लाया गया है। डॉक्टरों द्वारा चेकअप के बाद गैंगस्टर दीपक किन्नू को वापस जेल ले जाया गया। सरकारी अस्पताल में मौजूद डॉक्टर के मुताबिक गैंगस्टर दीपक किन्नू पुरानी चोट के कारण घुटने के दर्द से परेशान है। इससे पहले भी उन्होंने जेल जाकर दीपक किन्नू का चेकअप किया था। आज जेल प्रशासन ने उन्हें इलाज के लिए बठिंडा के एक सरकारी अस्पताल भेजा, जहां गैंगस्टर दीपक किन्नू का एक्सरे भी कराया गया है। इसके बाद जेल प्रशासन को गैंगस्टर दीपक किन्नू के घुटने का MRI कराने को भी लिखा गया है। इससे पहले फरवरी महीने में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल गैंगस्टर दीपक किन्नू ने अपने 3 बाकी साथियों के साथ मिलकर सेंट्रल जेल के सहायक अधीक्षक जसपाल सिंह के साथ धक्का मुक्की की थी और उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। थाना कैंट पुलिस ने जेल अधिकारी जसपाल सिंह के बयान पर आरोपी दीपक कुमार उर्फ किन्नू, हरप्रीत सिंह, रविंदर सिंह, सागर सिंह के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी थी। पुलिस के बाद दी शिकायत में जेल अधिकारी जसपाल सिंह ने बताया था कि दीपक कुमार, हरप्रीत सिंह, रविंदर सिंह और सागर सिंह केंद्रीय जेल में बंद हैं। 11 फरवरी को सभी ने मिलकर उसके साथ धक्का मुक्की की और जान से मारने की धमकी दी थी।